एयरटेल एक बहुत ही बड़ा गेम खेला भाई, यहाँ पर वन वेब में जो 45% का स्टेक यहाँ पर जीत लिया, विन कर लिया है। अब दोस्तों कोई भी दुनिया का ऐसा कोना नहीं रहने वाला है जहां पर इंटरनेट की पहुंच ना हो, क्योंकि दोस्तों अब इंटरनेट आपको मिलने वाला है सैटेलाइट के थ्रू, और यहां पर जो हर एक दुनिया के कोने में आपको इंटरनेट मिलने वाला है। तो भाई फिर समझ ले कि 1 GB के 100 रुपये देने पड़ेंगे। हे गाइस, वेलकम टू HS टेक जोन। दोस्तों फाइनली एयरटेल ने एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। यहाँ पर दोस्तों जो यूके की वन वेब कंपनी है उसमें जो 45 स्टेक यहाँ पर बाई कर लिया है। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर 500 मिलियन जो इन्वेस्ट किए हैं यूके की वन वेब में, और इसके अलावा जो 500 मिलियन जो इन्वेस्ट किए हैं यूके की गवर्नमेंट ने इस जो कंपनी में, इसके अलावा यहाँ पर क्वालकॉम और वर्जिन ग्रुप का यहाँ पर 10% शेयर बच जाता है। दोस्तों एक यूके की बहुत ही बड़ी कंपनी थी वन वेब, जो दोस्तों लोअर अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारी सैटेलाइट्स यहाँ पर लॉन्च करने वाली है, जो सैटेलाइट के थ्रू ही यहाँ पर पूरे दुनिया में यहाँ पर हर एक कोने में आपको इंटरनेट देने के लिए कोशिश की जा रही थी। तो भाई यहाँ पर सबसे बड़ा खेल तो तब बिगड़ गया जब इस कंपनी ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी, जाने कि भाई इनके पास पैसा वैसा बचा नहीं, तो भाई इन्होंने कह दिया कि हमारी जो कंपनी ने खरीदनी है खरीद लो। तो भाई अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूके भी होने वाला है ब्रेक्सिट के बाहर, अब जो यूके को लात मार के भगा दिया जाएगा गैलीलियो से, तो इसलिए यहाँ पर जो यूके सोच रहा है कि भाई हम भी इन्वेस्ट कर लें इस कंपनी में, और हम जो अपना GPS सिस्टम इस जो वन वेब के थ्रू अपना बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो यूके की गवर्नमेंट है उसने भी यहाँ पर 45% का जो स्टेक एक्वायर किया है। इसके अलावा 45% भारत के जो सुनील मित्तल हैं उन्होंने यहाँ पर एक्वायर किया है। इसके अलावा यहाँ पर जो 10% क्वालकॉम और वर्जिन का बच जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च करने का प्लान है और क्या कुछ रहने वाला है। तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर जो फर्स्ट फेज जो रहने वाला है इनका, उसमें अराउंड 650 जो सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जाने की जो 500 से लेकर 1200 किलोमीटर तक होता है। और इसके अलावा जो सेकेंड फेज रहने वाला है तो उसमें ये अराउंड 1980 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा बाद में करते रहेंगे जैसे जैसे इनका जो प्लान्स होगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो सैटेलाइट्स लॉन्च होने वाली हैं ये लॉन्च होंगी लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जाने की LEO में, लियो जैसे कह देते हैं। तो भाई इससे क्या होगा कि आपको एक तो इंटरनेट की स्पीड अच्छी मिलेगी और दुनिया के हर एक कोने में आपको जो इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि सैटेलाइट्स भाई क्या करती हैं यहाँ पर ऊपर से देती हैं सीधे जो सिग्नल्स होते हैं उससे आपको डायरेक्ट आपके डिवाइस में जो इंटरनेट मिल जाएगा। अब दोस्तों ये जो प्लान है ये बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है, और इसके अलावा जो इसकी टेस्टिंग स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी। अब दोस्तों यहाँ पर ये हो सकता है कि थोड़े दिन बाद में भाई जो एयरटेल वाले कहें कि भाई आप या तो टावर से सिग्नल ले लीजिए, चाहे आप हमारी सैटेलाइट से सिग्नल ले लीजिए, जहाँ से आपकी मर्जी हो वहाँ से आप अपना डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो भाई यहाँ पर एयरटेल वालों के पता होगा कि क्या करने वाली हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल ये है कि एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जैसे कि यहाँ पर जियो ने क्रांति लेकर आया था ना 4G में, इसी प्रकार से हो सकता है कि जो एयरटेल है ये 5G में क्रांति लेकर आए। लेकिन भाई एयरटेल वालों का पता कुछ नहीं है कि अभी भाई कह दे कि 250 रुपये के हम 1 GB देंगे और भाई कर लो क्या करना 5G का। तो ये भी हो सकता है भाई, ये तो बाद की बात है, लेकिन भाई एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है एयरटेल वालों ने। तो फिलहाल इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास जो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों आपने ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अब मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।